please. Sushil Kumar Modi. Santhi Mahode, GST ko lekar sadan mein kafi charcha hui hai. Yadpi sarkar ne bar bar kaha hai. You have 10 minutes time, keep that in mind. Okay. Sir, the government has reiterated. Sir, the government has reiterated repeatedly that it was a unanimous decision in the fitment committee, in the group of ministers, and even in GST council. But some of my members from opposition, they're saying, no, we raised, we opposed this increase of GST. तो मैं केवल एक ही सवाल जानना चाहता हूं कि अगर आपने विरोध किया तो वोटिंग क्यों नहीं कराई? जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का प्रावधान है, अगर आपने विरोध किया और आपकी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या वोटिंग के लिए फोर्स किया, कि आपने वोटिंग करवाई, और नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई? सच्चाई तो यह है उपसभापति महोदय कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक राज्य के वित्त मंत्री ने यहां तक कहा कि कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। और सती महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर आपका विरोध है तो आपने नोटिफाई क्यों किया? ऑन 18 जुलाई ईच एंड एवरी स्टेट इंक्लूडिंग कांग्रेस रूल्ड और टीएमसी और सीपीएम दे हैव नोटिफाइड दिस इंक्रीज ऑफ जीएसटी, तो आपने बंगाल में क्यों नोटिफाई किया? आप रोक देते कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे। आपने केरल में क्यों किया? आपने तमिलनाडु में क्यों किया? तो आपने टैक्स इंक्रीज को नोटिफाई किया, इट मींस यू आर इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ जीएसटी रेट टैक्स, और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो साथ नहीं दिया था। तो सब सभापति महोदय, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आज भी लगता, मैं तो ये कहूंगा, केरल के मुख्यमंत्री का बयान देखा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, अगर हिम्मत है तो घोषणा करें जो ऑपरेशन रूल्ड स्टेट्स हैं कि इस इंक्रीज को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, हिम्मत है तो ऐलान करें। लेकिन सती महोदय, सबों ने लागू कर दिया और यहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सती महोदय। और मैं तो आग्रह करूंगा, अगर आपको इतनी चिंता है गरीबों की तो ऐलान कीजिए कि रिइम्बर्स करेंगे, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिइम्बर्समेंट, they will not levy any tax from the consumer but they will reimburse the tax to the dealer, to the shopkeepers. Aap announce kar diye ki reimburse karenge Sati Mahode, aur Sati Mahode, aur abhi bhi samay hai, aap agli GST council ki baithak mein withdraw karne ka prastav la sakte hain. Iske pehle bhi GST council ki baithak mein 300 se zyada cheezon par jo tax increase hua usko wapas liya gaya. तो आप ऐलान कीजिए कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में और हम इस निर्णय को वापस लेंगे। सती महोदय, ये जीएसटी काउंसिल का फैसला है, ये केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। केंद्र सरकार वहां मौजूद थी, केंद्र सरकार उपस्थित थी, लेकिन सर्वसम्मति से, चाहे वो कांग्रेस रूल हो चाहे टीएमसी हो, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। और सती महोदय, एक और आश्चर्य की बात है कि एक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, जीएसटी को ही स्क्रैप कर देना चाहिए, हम अगर हमारी सरकार बनी तो नया जीएसटी लाएंगे। वो कहते हैं कि सिंगल रेट होना चाहिए, तो आप अगले मीटिंग के प्रस्ताव लाइए। आज तक आपने कभी प्रस्ताव लाया कि सिंगल रेट होगा? क्या चप्पल का भी, चप्पल पर भी वही टैक्स लगेगा, और मर्सिडीज कार पर भी क्या वही टैक्स लगेगा? अगर हिम्मत है तो अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक में ब्रिंग अ रिजोल्यूशन that there will be no four slab of taxes but there will be only one slab of taxes. Lekin Sati Mahode, wahan to sarvasammati se aapne nirnay kar diya aur yahan par aap virodh kar rahe hain. Inko Sati Mahode, virodh karne ka koi naitik adhikar nahi hai. Aur Sati Mahode, jahan tak inflation ki baat hai, ye imported inflation hai, ye ayatit mahangai hai, इसे ये देश की अर्थव्यवस्था के मिस मैनेजमेंट के कारण पैदा हुई महंगाई नहीं है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये जो इन्फ्लेशन है, इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंसी इज अ कांग्रेस लिगेसी। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर 85%
क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ रहा तो क्या आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या अगर खाद्य तेल, क्या अगर पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अगर हमको आज 60% एडिबल ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ता है तो आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट न करना पड़े? सती महोदय, 58% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, 75 साल में आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट नहीं करना पड़े? सती महोदय, फर्टिलाइजर 60% फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं, और आज जो सारी महंगाई है ये 3F के कारण है, फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइजर। ये तीनों फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, और ये तीनों चीज है जो हम विश्व के बाजार से आयात करते हैं। और सती महोदय, 3R, रशिया, रेट एंड रिसेशन, ये रशिया, रेट और रिसेशन, ये तीन बड़े कारण हैं जिसके कारण सती महोदय और ये स्थिति यहाँ पर और पैदा हो रही है। सती महोदय, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से जिक्र किया है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना है, 400%। सती 400%, 2% था, दैट इज इंक्रीज टू 9.1%। सती महोदय, कनाडा में कितना है, 8.1%। यूके में कितना इन्फ्लेशन है, 9.4, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू 11% इन द कमिंग डेज। सती महोदय, और पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, इंग्लैंड के अंदर रेलवे की स्ट्राइक हो गई वेजेस को बढ़ाने के लिए, जिम्बाब्वे में नर्सेज ने स्ट्राइक कर दिया, बेल्जियम के अंदर वर्कर्स की स्ट्राइक हुई, साउथ कोरिया, स्पेन, पेरू, अफगानिस्तान, येमेन, म्यांमार, हेती। सती महोदय, ब्रुसेल्स, लेबनान, इराक, केन्या, तुनिशिया, बुर्किना फासो, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का कमाल है कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करके रखा, आपके प्रयास के बावजूद कोई सड़कों पर नहीं आया, कहीं कोई प्रदर्शनी, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रदर्शन के अलावा कहीं जनता सड़कों पर नहीं आई, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये महंगाई यूक्रेन के कारण है। जनता को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता तो भारत में फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता। जनता को मालूम है सती महोदय कि अगर जनता, सती महोदय, जनता को ये मालूम है कि फ्यूल से लेकर बाकी चीजों का, आपने 10 मिनट समय दिया था ना? नहीं, अभी पार्टी ने कम कर दिया, 7 मिनट दिया। अरे तो आपने बोला कहा कि कम कर दिया, आपने कहा 10 मिनट, तो मैं 10 मिनट बोल रहा था। सती महोदय, इसलिए मैं कुल में चेयरमैन साहब ने 10 मिनट कहा था। सती महोदय, मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगा सती महोदय कि ये जो महंगाई है, वो चाहे फर्टिलाइजर की महंगाई हो, चाहे नहीं, फर्टिलाइजर का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा, लेकिन हमने भारत के किसानों को बढ़ने नहीं दिया, सब्सिडी दिया हमने 62,000 करोड़। हमने सती महोदय, हमने 62,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, नई सब्सिडी। और अब सरकार ने ऐलान किया कि 2025 के बाद हम यूरिया को इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हिम्मत है भारत सरकार की कि 2025 के बाद हम यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे 40,000 करोड़ की बचत होगी। सती महोदय, हम जो यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे। और सती महोदय, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहूंगा, ये जो यूरिया है उसका प्राइस है 2,450, और हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, 2,183, यानी 2,450 रुपए की यूरिया केवल 266 रुपीज में हम किसानों को दे रहे हैं। डीएपी का दाम है 4,073, और हम दे रहे हैं केवल 1,350 रुपए में। एनपीके का दाम है 3,291, और हम दे रहे हैं केवल 1,470 में। हम एमओपी का दाम 2,654 रुपीज है, हम दे रहे सती महोदय केवल 1,700 रुपए के दे रहे हैं। सती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते सती महोदय, तो आज भारत में जो महंगाई की दर 7% है, मैं दावा करता हूं ये 20% पर पहुंच गई होती, ये 20% पर पहुंच गई होती। सती महोदय, समय नहीं है, मेरे पूर्व के लोगों ने आंकड़ा दिया है, यूपीए के समय में क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रेट क्या था,
टेम्पर टेंट्रम के समय इन्फ्लेशन का रेट क्या था, और हम तो आज 7.01 पर है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सती महोदय, अब यूक्रेन से सनफ्लावर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है, अब यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। और ठीक है, घनश्याम तिवारी जी ने, ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान और अमेरिका की बिना परवाह किए, सैंक्शन की बिना परवाह किए, और रूस से केवल कच्चा तेल नहीं तो रूस से फर्टिलाइजर, रूस से कच्चा तेल और रूस से अन्य चीजों को मंगाकर और सस्ते दाम पर मंगाकर गरीबों को देने का काम किया है। महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इसे मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर और महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनाई हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी हम महंगाई को 7% से आगे नहीं जाने देंगे। सत्य महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।